केंद्र में राजस्थान की राजनीति अब केंद्र बिंदु बनती दिख रही है। एक समय था जब मंत्रिमंडल में भी राजस्थान को कम ही तवज्जो दी जाती थी, लेकिन वर्तमान को अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राजस्थान के कई नेता लोकसभा राज्यपाल सहित बड़े पदों पर काबिज है। पेश है एक रिपोर्ट, देश की राजनीति में राजस्थानियों का धमाल। इतिहास के पन्ने अब पलट रहे हैं। राजपूताना से बना राजस्थान अब अपनी अलग पहचान बना रहा है। खास तौर पर देश की राजनीति को अगर देखा जाए तो इतिहास में जो ऊंचाइयां राजस्थान ने नहीं छुई थी उनको छलांग लगाकर पार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इस तस्वीर को बयां कर रहे हैं हाल ही में राजस्थान के नेताओं को दी गई जिम्मेदारियां। देश की राजनीति में राजस्थान भाजपा के नेता बड़े पदों पर काबिज तो है ही, इसके साथ ही राजनीति की चाल भी तय करने की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। फिर चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात करें या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, यहां तक कि हरियाणा फतेह करने के लिए प्रभारी के रूप में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी हुई है, तो उधर गुलाब चंद कटारिया ओम माथुर को राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही केंद्र में राजस्थान के 4 सांसद मंत्री पद पर भी हैं। आम चुनाव के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में एक चर्चा आम थी, वो थी कि केंद्र में भाजपा के राजस्थान के सांसद कम होने के चलते इस बार प्रतिनिधित्व भी कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 सांसदों के जीतने पर भी भाजपा ने राजस्थान को उतनी ही तवज्जो दी। उसके बाद अब नए राज्यपालों की नियुक्ति में एक बड़े चेहरे ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही सतीश पूनिया को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाकर ये सिद्ध किया कि देश की राजनीति में राजस्थान के नेताओं का भी वर्चस्व है। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए देश का सिरमौर पहले है, तो उधर अब राजनीतिक दावपेच में भी अपना हुनर दिखा रहा है, जिसको केंद्र की सरकार भी पूरा मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।